खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें श्रीनगर में लैंडलाइन की सेवा कई इलाकों में शुरू कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 12 दिन के बाद मोबाइल इंटरनेट सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी और अब धीरे धीरे करके उन सुविधाओं को सुचारू किया जा रहा है। श्रीनगर के कश्मीर के कई इलाकों में लैंडलाइन फोन की सेवा शुरू कर दी गई है और लैंडलाइन फोन से ही हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी, उनसे भी बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, कश्मीर के कुछ इलाकों में फोन की सेवा, लैंडलाइन की सेवा शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, पिछले 12 दिनों से धारा 370 हटाने के बाद से पाबंदी लगाई गई थी, इंटरनेट बंद थे, फोन बंद थे, मोबाइल फोन बंद थे और अब जम्मू कश्मीर में कुछ सुविधाएं शुरू की गई और अब जो खबर आ रही है कश्मीर के यानी कि घाटी के कई इलाकों में लैंडलाइन की सेवा शुरू कर दी गई है। और आसिफ जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता और लैंडलाइन फोन पर जुड़े हैं। आसिफ, आसिफ क्या है पूरी जानकारी, आप लैंडलाइन से बात कर रहे हैं, किन किन इलाकों में ये सेवा शुरू की गई है और क्या क्या पाबंदियां हटने की खबर मिल रही है? बिल्कुल आदर्श, आज 13 दिन के बाद पहली बार लैंडलाइन सेवाएं चालू कर दी गई हैं। फिलहाल मुख्य एक्सचेंज और आसपास लाल चौक के आसपास के कुछ एक्सचेंजेस को चालू किया गया है और बाकी एक्सचेंज को चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अधिकारियों से बात करके हमें ये पता चला कि शाम तक सारे एक्सचेंज के बीच की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरीके से चालू हो जाएगी और जिसके बाद जो पूरी कम से कम जो श्रीनगर शहर है, श्रीनगर शहर के सभी एक्सचेंज को के मैं लोगों को लैंडलाइन सुविधाएं मिल जाएगी। हालांकि अभी भी मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा, इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी और बाकी जिला हेडक्वार्टर्स के बारे में भी जो है चरमबद्ध तरीके से लैंडलाइन सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। जो पिछले 13 दिनों से लोगों की यही मांग थी कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें तो थोड़ी सी ढील दी जाती थी लेकिन जो कम्युनिकेशन है, जो दूरसंचार का जो सुविधा है उसकी कमी के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर उन परिवारों को जिनके अपने परिजन जो है वो बाहर के इलाकों में रह रहे हैं या दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, उनसे संपर्क करना मुश्किल हो गया था लेकिन अब लैंडलाइन सेवाएं शुरू होने से ये जो शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा काम बचा है, अभी जो लैंडलाइन चालू किए गए हैं कुछ ही एक्सचेंजेस में अभी शुरू हुई है और शाम तक जो हमें आश्वासन दिया गया है कि शाम तक श्रीनगर शहर के कम से कम सभी एक्सचेंजों को मैं ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आदर्श जी, आसिफ बहुत शुक्रिया आपका, आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे, लैंडलाइन सेवा शुरू हो गई है, आपसे हम लैंडलाइन पर ही जुड़ पाएंगे और उससे जानकारी लेते रहेंगे। आसिफ बहुत शुक्रिया आपका, आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो श्रीनगर के कई इलाकों में लैंडलाइन की सेवा शुरू कर दी गई है, आसिफ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लैंडलाइन फोन पर ही जुड़े हुए थे क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट सेवा अभी भी वहां पर बंद है, पूरी जानकारी दे रहे थे। चरणबद्ध तरीके से सभी एक्सचेंज धीरे धीरे शुरू किए जाएंगे और शाम तक कम से कम श्रीनगर के इलाके में सभी जगहों पर लैंडलाइन सेवा शुरू करने की कोशिश सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है और जहां जहां एक्सचेंज शुरू हो गए वहां पर लोग एक दूसरे से बात भी कर पा